पश्चिम बెంగాల్ सीएम तृणमूल कांग्रेस अधिनेत्री ममता बेनर्जी वैक्सीन राजकीयालकु पाडुपडुतुन्नारु। वैक्सीन्लु लेवनि चेप्पि प्रजल्लो भयांदोళనలు కలిగిస్తున్నారు। ఎన్నికల్లో ఓటమి ఖాయమని తెలియపోవడంతో దీది ఇలాంటి అవాస్తవాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని बीजेपी జాతీయ అధ్యక్షుడు जेपी नड्डा ఆరోపించారు। మే 2 తర్వాత పశ్చిమ బెంగాల్లో అధికార మార్పు తప్పదు। మమతా బెనర్జీ सीएम సీటు నుంచి తప్పుకుంటారని నడ్డా తెలిపారు। दीदी आजकल भ्रम फैला रही है, तरह तरह के गलत प्रपंच करके प्रोपोगंडा कर रही हैं। आजकल कहती हैं कि वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन की कमी है। अरे दीदी, आप अपने वैक्सीनेशन के आंकड़े देखो। हर दिन नए नए आंकड़े आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं बंगाल में। ये आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं अगर वैक्सीन नहीं है तो? लेकिन भ्रम फैलाना, लोगों को गुमराह करना, लोगों में पैनिक क्रिएट करना, यही आता है। और मैं पूछना चाहता हूं, और मेरे साथ बंगाल की जनता पूछना चाह रही है दीदी से, कि आखिर जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाते हैं तो आपका अहम जाग जाता है और बंगाल के लोगों के विकास के बीच में रोड़ा बन करके खड़ा हो जाता है, तब आप क्यों नहीं बैठक में जाती हैं?